जनपद मुरादाबाद में सेवा भाव का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला है, जिसमें एक शख्स ने अपनी जमीन बेचकर ही लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि उसने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों को रकम थमा दी और सेवा करने का संकल्प लिया। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद का, जहां पर हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारी ने अपनी जमीन बेचकर कोरोना से लड़ रहे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। पार्टी के लोगों का कहना है कि वो इस मुहिम में सबसे आगे हैं, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आना चाहते। सेवा भाव का ऐसा समर्पण वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि उनके इस सेवा भाव को देखकर उनकी इस मुहिम में पुलिस के अधिकारी और बड़े व्यापारी भी साथ आए हैं। इस सेवा भाव को सभी खूब सराहना कर रहे हैं, तो वहीं जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं वो भी सभी का आभार जता रहे हैं। जी ममता, आपको राहत सामग्री भी मिली है अभी? क्या क्या मिला है? आटा मिला, आलू मिले, सब्जी मिली, मतलब चावल, सब सामान। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है, आप हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, लॉकडाउन है, पूरा शहर बंद है, ऐसे में किन किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत उठानी पड़ रही है मुझे, मतलब बच्चे छोटे छोटे, हमारे पति भी ना आप सहारा दे रहे हैं हमारे लिए, ऐसी परेशानी। जी प्रियांशु जी, पूरे देश में इस समय लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का खतरा है, ऐसे में आम जीवन भी प्रभावित हुआ है, तो किस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं? देखिए, 22 तारीख को हमने ये मुहिम छेड़ी थी और हमने 10 से 15 जनों को राशन दिया था। तब हमने सर्वे किया था तो पता चला कि लोग इतने परेशान हैं कि उनके घर पर राशन है ही नहीं, जो रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले हैं, जो 200-250 रुपये। तब मैंने वो जब मुहिम छेड़ी तो मेरे साथ आशु शर्मा जी, गुप्ता एजेंसीज वाले, इन्होंने फुल सपोर्ट के लिए बोला कि जोशी जी, जो आपको चाहिए मेरी तरफ से निःशुल्क है हर चीज। ऐसे ही हमारा एक साथी है, उसका नाम अंडरस्टूड है, कि उसने तुरंत हमारे को फोन किया और उसने ये कहा कि भैया, मेरे पास जो भी है मैं उसे बेचूं या कुछ करूं, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक लॉकडाउन है, तब तक मैं हर गरीब को राशन पहुंचाने का कार्य हिंदू समाज पार्टी की तरफ से करूंगा। और उसने अपनी तरफ से जो भी उसकी जमीन थी या जो भी चीज थी उसने बेची और बेच के हमें पैसा दिया। इसमें क्या क्या चीजें दे जा रही है? देखिए, आटा, आलू, चावल, ये तो हर किसी को दिया जा रहा है। उसके अलावा बिल्कुल जो नीड है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, और आटा, आलू, चावल और मसाले, ये तो हम दे ही रहे हैं। और बिल्कुल जो नीड है उसको रिफाइंड भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं और दालें भी दे रहे हैं, जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। अच्छा, जिस सज्जन ने, और सुबह दूध और ब्रेड सुबह 8-9 बजे से लेके 11 बजे तक दे रहे हैं। इसमें कई पुलिस वाले भी हैं जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका मैं सराहना करता हूँ, जैसे कि खुशालपुर चौकीन चाय, राजकुमार पछराना जी और पंकज यादव जी, काशीराम चौकीन चाय, और आपके चौकीन चाय लाइन पर रियाज जेदी जी। मैं इन पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूँ कि इस मुहिम में मैं अकेला चला था, आज चलते चलते कम से कम नहीं तो हम 16 मेंबर हो चुके हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचकर आप लोगों को खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराई हैं, क्या वो हिंदू समाज पार्टी से ताल्लुक रखता है? जी जी जी।